Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही नया फेक लोन एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ। जो लोन एप्लीकेशन लोन देता है 7 दिन का, आपको फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के इस एप्लीकेशन से लोन लेना है। बहुत ही इजिली अच्छा खासा लोन आपके सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से ये लोन एप्लीकेशन दे देता है। कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको लोन लेना है, पूरा आज के इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आपको अपने फोन के स्क्रीन पे लेके चलूंगा, दिखाऊंगा इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके, तो पूरा डिटेल में देखिएगा अगर आपको फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है और नहीं चुकाना है कभी भी तो। ठीक है, इस लोन एप्लीकेशन से वही लोग लोन लें जो कभी का फर्जी लोन एप्लीकेशन से फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, उनको बहुत ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन वाले परेशान किए हैं, प्रताड़ित किए हैं। 5,000 का लोन देके 50,000 अगर उनसे वसूले हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे अगर आपको छोटा मोटा लोन देके वसूला गया है उसका 3 गुना 4 गुना, तो आप लोग डेफिनेटली इस लोन एप्लीकेशन से अपना थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर सकते हैं। फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के ऐसे फेक फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप अपना बहुत सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं जो आपका पहले कभी चला गया था। ऐसे फेक लोन एप्लीकेशन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लीगली आपका ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फेक होते हैं ये। आपको 7 दिन का लोन देते हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा पेनल्टी लेते हैं और गाइज आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन गाइज अगर आप अपने आप को संभाल लिए, अपने आप को ये समझा लिए कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो सच में मैं आपको बता रहा हूं आप अगर इनसे डरना बंद कर दोगे तो ये आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग भी लोन एप्लीकेशन से परेशान है, आइए आपको बताता हूं कैसे लेना है फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन। अगर आपको ये कभी कभी परेशान किए हैं तो जरूर आप इनसे अपना बदला ले सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट से लेके चलता हूं मैं आपको अपने फोन के स्क्रीन पे, दिखाता हूं फेक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके। वही लोग लोन लीजिएगा जो कभी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए थे और उनको फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले परेशान किए हैं। ओके, जो लोग कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लिए वो लोग बिल्कुल दूर रहें ऐसे लोन एप्लीकेशन से। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ। ओके गाइज यहाँ पे देख लीजिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑनलाइन कैश लोन आपको मिल जाएगा मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक का। इंटरेस्ट रेट एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट APR है इसका मिनिमम 18.25% से लेके मैक्सिमम है 25%। इतना किसी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का भी नहीं होता है, इतना कम है इसका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मिनिमम 5,000 लोन और मैक्सिमम 2,00,000 रुपए। गाइज ये फेक लोन एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग में आपको 5,000 10,000 ही देगा, मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक कभी आपको नहीं देगा। अभी हम इसकी चोरी पकड़ते हैं कि ये फेक होके कैसे अपने आप को NBFC शो करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोग इसके चंगुल में फंस जाओ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई फीस है, 1-time fee है 1%, GST 18% है ऑफ द लोन अमाउंट। ओके, यहाँ पे देख लीजिए गाइज, 100 दिन से लेके 365 दिन के लिए ये लोन दे रहा है। नो अदर हिडन एक्सपेंस, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है इसमें। और गाइज 100 से लेके 365 दिन के लिए आपको ये लोन देने के लिए बोल रहा है। लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का लोन देता है, बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है। यहाँ पे इसने एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आपको ये 10,000 का लोन देगा तो 120 दिन के लिए देगा, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। 10,000 का लोन देगा, 7 दिन के लिए देगा। ओके, यहाँ पे गाइज इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतना GST लगेगा, इतना आपके बैंक में डिस्बर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, इतना आपके बैंक में डिस्बर्स होगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। लेकिन गाइज ये पूरा NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन कॉपी किया है, ये कभी भी आपको इतना नहीं देगा, इतने टाइम के लिए लोन नहीं देगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में देख लीजिए क्या क्या आपको देना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। आपकी उम्र 18 साल से लेके 60 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 60 साल। ओके, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। ओके, आपके पास मंथली इनकम का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो आप या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपके पास मंथली इनकम का सोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कितना इनकम आपका होना चाहिए मंथली। बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है गाइस, सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन देता है, कोई मंथली इनकम का सोर्स वगैरह बस इसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं करते हो फिर भी आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड, पता नहीं कौन सा बैंक कार्ड होता है तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं ये लोग, मतलब वही बैंक का मुझे लगता है फ्रंट का जो आपका अकाउंट नंबर का होता है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा वो डालना, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी डाल के लोन के लिए अप्लाई कर देना। ओके, बाकी यहाँ पे इनका मेल वगैरह है जो कि बिल्कुल फेक है, फर्जी है।
ये लोन एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा नया है, रिलीज़ ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ है। ऐप परमिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फ़ोन, एसएमएस, अदर, मतलब स्टोरेज अदर, सबका परमिशन आपसे ले रहा है। मतलब कॉन्टैक्ट्स का परमिशन आपसे मेनली ले रहा है, एसएमएस का परमिशन ले रहा है, मतलब इसी से पता लगता है कि फेक लोन एप्लीकेशन है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का ज़बरदस्त गलत यूज़ करने वाला है। लेकिन हमें क्या, हम तो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन लेंगे। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के ही लोन लेना, क्योंकि ये बिल्कुल एक नंबर का फेक लोन एप्लीकेशन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है। तो गाइज, ये इंडिया के सारे बड़े सिटीज, छोटे सिटीज, गांव देहात, हर जगह आपको ये एप्लीकेशन लोन देगा, क्योंकि गांव देहात के लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं इन सब के चक्कर में। ओके, सो गाइज़, आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। ये लोन एप्लीकेशन मैं आपको बता दिया, लेकिन गाइज़ आपको फेक लोन एप्लीकेशन, मतलब फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, फेक एसएमएस सेव करने पड़ेंगे। कोई भी अपना आप रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट मत देना, ठीक है, रियल कॉन्टैक्ट मत देना। अगर आप रियल कॉन्टैक्ट देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये फेक लोन एप्लीकेशन है, आप गाइज लोन लेना तो अपने मर्जी से लेना, मेरा काम तो बस इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप किसी फेक लोन एप्लीकेशन से कभी का लोन लिए हो तो भाई, आपको अगर वो परेशान हो गए कि हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूले हैं, तो उनसे आप बदला ले सकते हो ऐसे फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेके, क्योंकि बहुत सारे फेक लोन एप्लीकेशन एक ही कंपनी चलाती है, तो हो सकता है आपको जो कंपनी ठगी हो फेक लोन एप्लीकेशन की, उसी की ये भी फेक लोन एप्लीकेशन हो। ओके, बाकी गाइस अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, साथ में एक और फेक लोन एप्लीकेशन बता देता हूँ। सो गाइज, इसका नाम है कूल रूपी। कूल रूपी 4.5 की रेटिंग है 100 के प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। 4.5 की रेटिंग है 100 के प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। ये रेटिंग पूरा का पूरा पेड है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 4.5 की रेटिंग तो है, लेकिन ये 4.5 की रेटिंग पूरी पेड है। यहाँ से सी ऑल रिव्यूज़ करके आपको रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेना है, रेटिंग वगैरह देख लेना है, लेकिन यहाँ का नहीं पढ़ना है, ऑल में नहीं आपको जाना है, आपको जाना है क्रिटिकल रिव्यूज़ में। सब लोग 1-1 की स्टार दिए हैं, ठीक है, 1-1 का स्टार मिला है। यहाँ पे वेरी बैड ऐप, यहाँ पे देख लीजिए, इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे इट वाज अ ओनली फेक ऐप, ऑल डाटा कलेक्ट, मतलब सारा डाटा कलेक्ट करा है। वेरी बैड एप्लीकेशन, आई डोंट थिंक ऐप इज़ वर्किंग, मतलब ऐसा ऐप वर्क करेगा। वेरी बैड एप्लीकेशन, ओनली कलेक्ट डाटा एंड ब्लैकमेलिंग, ठीक है, काइंडली डोंट डाउनलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो डियर फ्रेंड्स, इट्स अ कॉपी, यहाँ पे देख लीजिए, और भी बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बेकार ऐप, डोंट अप्लाई फॉर दिस ऐप, दे आर फेक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ अ फ्रॉड ऐप, ठीक है, ये बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है। तो बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है, रिव्यूज़ रेटिंग में आपको दिखा दिया, ये बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है। ऐसे लोन एप्लीकेशन से बच के रहिएगा। अगर आप कभी का ठगाएं फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तभी ऐसे एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। फेक लोन एप्लीकेशन है गाइस, फेक लोन एप्लीकेशन है ये लोन एप्लीकेशन। आपको लोन देने से पहले आपसे पैसा वगैरह मांगे ना तो बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा भी ले लेगा, लोन भी नहीं देगा। अगर आपको फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन देता है बिना पैसा वगैरह लिए, तभी आप इससे लोन लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ भी देख लीजिए, बेकार ऐप, फालतू टाइम वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा फेक ऐप, कोई भी डाउनलोड नहीं करो, यहाँ कोई लोन नहीं मिलता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे लोन मिलता है, हो सकता है ये बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हों। बाप रे, कितनी गंदी गंदी गाली भी लोग लिखे हैं भाई इसको। तो गाइज़ अब मैं आपको बता देता हूँ एक और लोन एप्लीकेशन। सो गाइज़, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही बढ़िया लोन एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है, फेक लोन एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप कभी किसी फेक लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लिए हैं, तो आप सच में मत लेना, मैं भी यही रिकमेंड करता हूं, यही बोलता हूं। तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन गाइस, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको लोन मिलने के। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में दो तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कैश लोन ज्यादा ऑफर करता है, दैट्स व्हाई आपसे बैंक स्टेटमेंट लेता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का दूसरा लोन ले सकते हो, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। लेवल अप लोन आपको स्टार्टिंग में कम मिलेगा, स्टार्टिंग में गाइज आपको 2-4 हज़ार का ही लेवल अप लोन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे गाइज आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, टोटल 11 लेवल होते हैं गाइज। जैसे ही आप 11 लेवल पे पहुंचते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन गाइज बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, क्योंकि गाइज अगर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन मिनटों में लोन दे देता है, लेवल अप लोन या फिर कैश लोन, दोनों में से कोई भी। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा सिविल कम है, बहुत ज़्यादा खराब है तो नहीं लोन देगा, थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत खराब है तभी आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लोन देगा। बाकी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लेवल अप लोन सिर्फ ओनली आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी से लोन दे देता है। अगर आपको कोई भी लोन नहीं दे रहा है इस पूरे दुनिया में, फिर भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ये तो आपको दे ही देगा। ओके, बाकी गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन
करना है, इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट गाइस आपको मिनटों में लोन मिल जाता है। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।